आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजीव और आपके साथ मैं हूं अंजना। राजीव गांधी देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री, मजबूरी और हालात के चलते राजीव राजनीति में आए। उन्हें राजनीति आती नहीं थी, लेकिन राजीव ने हिंदुस्तान को दिखाई तरक्की की राह। यही वजह है कि उनकी यादें करोड़ों दिलों में ताजा हैं। राजीव आज होते तो 68 के होते। उनके जन्मदिन पर एक खास कार्यक्रम। बहुत ही प्यारा, नाना का दुलारा, पिता का लाडला। संजय से उम्र बड़ी थी तो मेरे पिता से ज्यादा निकट था वो, तो वो कहीं जाते थे तो अक्सर संग ले जाते थे, मैं न भी जाऊं तब भी। दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल छोटा बेबी था तो महीने भर तो रात और दिन रोया। और इत्तेफाक से मैं अपनी बुआ के संग ठहरी थी तो उन लोगों ने देखभाल की, मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं जरूर घबराई कि अब इलाहाबाद वापस ले जाऊंगी, अगर इसी तरह से रोएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने रेल में ही बंद कर दिया और उसके बाद जरा भी संग नहीं किया। भाई भाई का प्यार, कैम्ब्रिज में मोहब्बत, सोनिया से शादी, मां की मौत, देश की कमान, आई राजीव गांधी टू सॉलेमली अफर्म, विकास का सपना, भारत के लिए मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातवाद ना हो, भाषावाद ना हो, कामवाद ना हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को, भारत दोबारा मानवता की सभ्यता से आगे निकले, दुनिया को चार धाराएं दे और मानवता को एक शक्ति दे सके। अगर हम ये कर पाएंगे, भारत को रास्ते पर चला पाएंगे, तो पूरी दुनिया में एक नई रोशनी आ जाएगी। अधूरा रह गया सपना, राजीव गांधी की जिंदगी के पन्ने हम जरा उनके बचपन से पलटते हैं। राजीव का मन कॉपी किताब से ज्यादा मशीनों में लगता था। रेडियो बनाने के तो वो मास्टर थे। एक बार हरिवंश राय बच्चन विदेश से 2-in-1 टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे। अमिताभ ने उसे खोल डाला। अब क्या करें, सारा सामान बटोर कर राजीव के पास पहुंचे। बोले, यार इसे ठीक कर दे वरना बाबूजी नाराज हो जाएंगे। राजीव ने कुछ ही मिनटों में टेप रिकॉर्डर को पहले जैसा कर दिखाया। करीब 7 दशक पुरानी मुंबई और मुंबई का कुंबाला हिल हॉस्पिटल, इसी अस्पताल में भर्ती थी इंदिरा गांधी। तारीख थी 20 अगस्त 1944। अस्पताल के लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आई तो बाहर खुशियों की बारिश हो गई, क्योंकि यहाँ जन्म हुआ था नेहरू गांधी परिवार के पहले वारिस का। अस्पताल में नाम दर्ज हुआ राजीव रतन बर्जिस गांधी। इस नाम के पीछे की एक कहानी है। नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था राजीव। इंदिरा ने अपने पिता के नाम के पहले शब्द का अर्थ इसमें जोड़ा, रतन। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने नाम दिया बर्जिस, जिसका मतलब होता है देवता। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बच्चा देखकर ही मन मचलने लगे कि इसे गोद में उठाकर प्यार कर दे। राजीव के नाना पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अपने नाती के पास पहुंचते ही जैसे बच्चे बन जाते थे। मां इंदिरा गांधी का बड़ा बेटा बिल्कुल अलबेला था, ना तो दूसरे बच्चों की तरह जिद करता और ना ही कोई शरारत। जो मिल गया उसी पर मान गया। मेरे संग इन्होंने कभी मांगा नहीं,
जैसे हम सुनते हैं बच्चे कह रहे हैं हमें ये खिलौना चाहिए चाहिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता है कि कोई चीज उन्होंने कहा ये हमें चाहिए ये ला दो। हमें सोचना होता था भाई क्या चीज अच्छी लगेगी जो हम दे सकते। उम्र में 2 साल छोटे अपने भाई संजय के साथ राजीव की खूब पड़ती थी। दोनों खूब धमाचौकड़ी मचाते। राजीव थोड़े संकोची थे तो संजय थोड़े शरारती। दोनों में कई बार झगड़ा भी हो जाता था। राजीव और संजय में तकरार तो होती थी लेकिन ये तकरार उनमें प्यार का रंग और भी गहरा कर देती थी। जब ये काफी छोटे थे दोनों भाई तो संजय के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था, तो आपको मालूम है भाई हूँ, छोटे जब बच्चे होते हैं तो झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन जितने देर ऑपरेशन मतलब हुआ तो बाहर बैठा रहा कमरे के कि हम यहीं बाहर बैठेंगे जहाँ हो रहा। और फिर जब कमरे में लाया गया अस्पताल में तो खुद बैठा और कहा नहीं, मैं उस वक्त हर वक्त मुंह पोंछना होता है क्योंकि वो टपकता रहता है, तो नर्स थी मैं थी कहीं नहीं हम करेंगे भाई का, तो खुद देखता रहा। मगर जैसे ही संजय को होश आया वैसे अच्छा अब हम जाते हैं। राजीव को बचपन से ही मशीनों से प्यार था, किसी ने सिखाया नहीं फिर भी घर का बिगड़ा रेडियो ठीक कर देते थे, घर में बिजली की कोई समस्या हो तो मैकेनिक का इंतजार नहीं करते थे। बहुत ही छोटे थे राजीव और संजय दोनों, तो कोई भी बिजली की चीज बिगड़ जाए तो हमेशा मेरे पति कहते थे चलो इसको ठीक करो तुम, और वो ठीक करते थे जैसे अब मेरा पोता करता है। अमिताभ बच्चन और राजीव की पहली मुलाकात अमिताभ के 4th जन्मदिन पर हुई थी और तभी से इनकी दोस्ती थी। दोस्ती की ये चौकड़ी थी अमिताभ अजिताभ और राजीव संजय। जब छुट्टियां होती तो चारों मिलकर खूब धमाल मचाते थे। राजीव और संजय थोड़े बड़े हुए तो देहरादून के दून स्कूल में पढ़ने चले गए और अमिताभ अजिताभ नैनीताल के शेरवुड स्कूल में। बचपन बीता, राजीव बड़े हो गए, आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। कॉपी किताब में मन लगा रहे थे लेकिन यही कमबख्त दिल में मोहब्बत धड़की और दिल आ गया इटली की एक बेहद खूबसूरत लड़की सोनिया माइनो पर। राजीव गांधी कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे लेकिन वहां उन्हें इटली की एक लड़की से प्यार हो गया, वो लड़की थी सोनिया माइनो। राजीव बड़े शर्मीले थे, अब कैसे बताएं मां से अपने दिल का हाल। पहले उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को बताया, फिर तेजी बच्चन को पता चला, इन दोनों ने हिम्मत बंधाई, तब कहीं जाकर राजीव ने इंदिरा से की अपने प्यार की बात। '65 की वो एक हसीन शाम थी, राजीव गांधी दोस्तों के साथ कैम्ब्रिज के छोटे से वेलसिटी रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट पे खिड़की के पास एक शर्मीली सी लड़की बैठी थी, राजीव ने उसकी तरफ देखा तो बस देखते रह गए। लड़की ने पलकें उठाकर देखा और दिल धड़क उठे, पहली नजर में ही प्यार हो गया। और पहली बार जब मैंने उन्हें देखा ही तो मुझे लग गया था कि ये ही ठीक लगती है मेरे लिए। इस शर्मीली सी लड़की का नाम था सोनिया माइनो। वो इटली के ट्यूरन के पास एक छोटे से गांव ल्यूजियाना से कैम्ब्रिज में अंग्रेजी पढ़ने आई थी। मुश्किल ये थी कि राजीव को इटालियन नहीं आती थी और सोनिया को अंग्रेजी, लेकिन मोहब्बत ने अपनी भाषा तलाश ली। इजहार हुआ, इकरार हुआ और प्यार परवान चढ़ गया। 2 साल बस यूं ही गुजर गए। राजीव ने सोनिया माइनो से प्यार की बात सबसे पहले अमिताभ बच्चन को बताई थी। नवंबर 1967 की बात है, राजीव इंग्लैंड से आए और सीधे अमिताभ के घर पहुंच गए।
रात में राजीव ने अमिताभ को एल्बम दिखाई जिसमें सोनिया माइनू की तस्वीरें थी और पूछा था कि दोस्त ये लड़की तुम्हें कैसी लगी। अमिताभ ने दोस्त की पसंद पर मुहर लगा दी और सलाह भी दी कि तुरंत माँ से वो इस बारे में बात कर ले। राजीव ने दिल की बात इंदिरा गांधी को बता दी। इंदिरा ने देर नहीं की, इंग्लैंड जाकर बेटे की पसंद देखी और सोनिया माइनो उन्हें भी भा गई। राजीव गांधी ने जब सोनिया के पिता से उनका हाथ मांगा तो वो भड़क गए, लेकिन सोनिया ने जिद की तो वो मान गए। साथ में सोनिया को रिटर्न टिकट भी दिया और कहा कि जब मन करे लौट आना। वो टिकट आज भी सोनिया के पास रखा है। बहरहाल राजीव सोनिया की शादी फिक्स हो गई। तय हुआ कि सोनिया शादी के पहले तक हरिवंश राय बच्चन के घर रहेंगी। डॉक्टर बच्चन ने इस खास मेहमान के लिए घर का हुलिया बदलवा डाला। बाथरूम में गीजर लगा, सारे पर्दे बदल दिए गए, सोफे पर नया कवर लग गया। सोनिया भारत आ गई। राजीव उन्हें लेकर डॉक्टर बच्चन के घर पहुंच गए। तेजी बच्चन ने सोनिया को बेटी की तरह रखा, साड़ी पहनना सिखाया, भारतीय खाना बनाना सिखाया। पूरे 25 फरवरी 1968 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का घर दुल्हन की तरह सजा था। सोनिया ने वही साड़ी पहनी थी जिसे राजीव गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बुना था। यही साड़ी पहनकर इंदिरा ने भी शादी की थी। सोनिया किसी अप्सरा की तरह नजर आ रही थी और राजीव किसी भी लड़की के सपनों के राजकुमार की तरह। समारोह बिल्कुल सादा था, गिनती के मेहमान थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। इंदिरा और तेजी बच्चन की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बंगले के लॉन में राजीव और सोनिया शादी के बंधन में बंध गए और सोनिया माइनो बन गई सोनिया गांधी। सोनिया का कन्यादान किया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने और भाई की भूमिका निभाई थी अमिताभ ने। राजीव और सोनिया का प्यार मंजिल पर पहुंचा, सोनिया घर परिवार में रम गई। इंदिरा को सोनिया अपनी माँ मानती थी। I remember when I got married, my mother came to the wedding, and she stayed for about a month, and then when she left, obviously that was my last. My mother was gone, so obviously it was quite a sad moment for me. And my mother-in-law said to me, little note, hi Sonia, this is just to tell you that you all love me. And that totally melted. राजीव सोनिया का बहुत ख्याल रखते थे, साथ में दिल्ली घुमाते थे, इंडिया गेट पर अक्सर आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। राजीव सोनिया के प्यार का गुलशन तब और भी महका जब 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ। 12 जनवरी 1972 को जब प्रियंका ने दुनिया में आंखें खोली तो परिवार पूरा हो गया। इंदिरा के लिए तो जैसे जिंदगी के सबसे प्यारे दो खिलौने मिल गए। प्रियंका बचपन से इंदिरा के बेहद करीब थी। राजीव भी कहते थे कि प्रियंका बिल्कुल दादी बन गई है। Thank you.
इंदिरा के हाथों में देश की बागडोर थी, जो भी वक्त वो चुरा पाती अपने परिवार को देती थी। घर में खुशियों का डेरा था, लेकिन ये खुशियां बहुत दिनों तक साथ नहीं रही। राजीव गांधी अपनी पहचान खुद बनाना चाहते थे। सोनिया को भी मुलाकात के बहुत दिनों बाद पता चला था कि वो इंदिरा के बेटे हैं। राजीव अपना परिचय भी लोगों को देते हुए ये कहते थे, आई कैप्टन राजीव, सरनेम नहीं लगाते थे। सोनिया से उन्होंने वादा किया था कि कभी वो राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राजीव को ये वादा तोड़ना पड़ा। राजनीति से दूर राजीव अपनी दुनिया में खुश थे। इंडियन एयरलाइंस के पायलट की वर्दी ही उन्हें राज आती थी। राजनीति से वो बहुत दूर थे। उनके छोटे भाई संजय मां इंदिरा के साथ राजनीति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लोग मानकर चल रहे थे कि इंदिरा के राजनीतिक वारिस संजय ही हैं, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। वो तारीख थी 23 जून 1980। नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में सवार थे संजय गांधी। सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इस हादसे ने संजय की जिंदगी छीन ली। इंदिरा गांधी बिल्कुल अकेली पड़ गई। बड़ी उम्मीद से उन्होंने राजीव की तरफ देखा। उन्हें सियासत की राहों पर मजबूत सहारे की दरकार थी। उधर सोनिया गांधी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि राजीव राजनीति में आए। सोनिया जी खुद का है कि उन्होंने राजीव में रोका था कि राजनीति में आए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति आई कि राजनीति में आए। राजीव वैसे भी राजनीति के लिए बने नहीं थे, लेकिन मजबूरी उन्हें सियासत की दुनिया में लेकर आ ही गई। राजनीति में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते थे, ना ही वो किसी प्रकार के राजनीति में दखलंदाज करते थे। तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इतना दबाव पड़ा उनके ऊपर सारी पार्टी के ऊपर, तो इसलिए वो राजनीति में आ गए। 1981 में राजीव ने अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में राजीव ने उस वक्त लोक दल के कद्दावर नेता शरद यादव को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। राजीव इंदिरा से सियासत के गुर सीख रहे थे। जल्द ही उन्हें पार्टी ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। मॉडर्न टाइम्स के आधुनिक काल के एक आधुनिक नेता थे वो। करुणा भरा दिल था उनका, दूरदृष्टि थी और बहुत कुछ होते हुए भी एक व्यक्ति जो है आकर्षित नहीं कर पाता है लोगों को, लेकिन उन्होंने नौजवानों को औरों को सबको आकर्षित किया था। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूँ या नहीं रहूँ। इंदिरा देश की प्रधानमंत्री थी। भुवनेश्वर की एक रैली में इंदिरा ने जो कुछ कहा वो पहले नहीं कहा था। शायद उन्हें मौत से पहले मौत का एहसास हो गया था। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। ठीक एक दिन बाद 31 अक्टूबर 1984, एक सफदरजंग रोड, सुबह के करीब 9 बजे इंदिरा गांधी अपने बंगले से बाहर निकली। गेट पर अचानक गोलियां चलने लगी। परसों से उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों सतवंत और बेअंत सिंह ने उन पर हमला कर दिया था। इंदिरा लहू लुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। पूरे देश में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई थी। राजीव को मां की मौत का मातम मनाने का भी वक्त नहीं मिला। देश के हालात देखते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उसी रात उन्हें देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। हाय राजीव गांधी,
सर जी का असैसिनेशन हो गया तो कलकत्ता में थे, जब वो आ रहे थे तो रास्ते में भी उन्होंने अरुण सिंह अरुण नेहरू गया थे, नेहरू वहां गया हुआ था एयरपोर्ट रणबीर सिंह, उसमें उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जब वो राष्ट्रपति इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो तभी भी सभी नेताओं ने, वेंकट रमन भी थे और बड़े बड़े नेताओं थे, सब ने उनसे आग्रह किया कि उनको इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मार्गदर्शन संभालनी चाहिए। 3 नवंबर 1984 को जिंदगी के आखिरी सफर पर निकली थी इंदिरा गांधी। जिंदगी का हर फैसला खुद लिया, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, किसी का सहारा नहीं लिया। लेकिन आखिरी सफर में बेटे राजीव का कंधा मिला तो जैसे मां का सफर पूरा हो गया। राजीव ने मां की चिता को मुखाग्नि दी। चिता की चटकती लकड़ियों के बीच मिट्टी का तन मिट्टी में मिल रहा था। इंदिरा इतिहास के पन्नों में समा रही थी। इंदिरा की मौत के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे फैल गए थे। इनसे निपटना राजीव के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राजीव ने देश के नाम अपने संदेश में न सिर्फ इस पर चिंता जताई बल्कि सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी। इंदिरा गांधी गेव हर लाइफ सो दैट अ यूनाइटेड इंडिया शुड लिव एंड प्रॉस्पर। एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ डिविजन बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर कम्स इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। दिस वायलेंस इज ओनली हेल्पिंग द सबवर्सिव फोर्सेस टू अचीव देयर एंड्स। कम्युनल मैडनेस विल डिस्ट्रॉय अस। इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इंडिया स्टैंड्स फॉर। As Prime Minister of India, I cannot and will not allow this. राजीव गांधी सियासत में कच्चे थे लेकिन नौजवान थे और एक विजन था उनके पास। खुद तकनीक के मास्टर थे तो देश को भी उन्होंने तकनीकी विकास की राह पर डाला। देश में कंप्यूटर क्रांति आई, पंचायती राज लाने की पहल उन्होंने ही की। 18 साल के नौजवानों को वोट का हक देकर उन्होंने युवाओं का मन मोह लिया। पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत कर। 1984 में ही राजीव की अगुवाई में आम चुनाव हुए। कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 400 से भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा गया। इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के वक्त में भी कभी नहीं मिली थी। आई एम यंग एंड आई टू हैव अ ड्रीम। आई ड्रीम ऑफ एन इंडिया स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड इन द फोरफ्रंट एंड द फ्रंट रैंक ऑफ द नेशन विद द वर्ल्ड इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। 13 जून 1985 को अमेरिकी कांग्रेस और भारत के संयुक्त अधिवेशन में राजीव गांधी के बोले हर लफ्ज में एक जज्बा था, एक सोच थी, एक ईमानदारी थी जिसे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में दुनिया के सामने साबित भी किया। 22-22 घंटे काम करते थे, उसके बाद 1 घंटे सोके और जब आते थे बाहर तभी वैसे चेहरा एकदम तरोताजा नजर आता था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही राजीव के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। कश्मीर मुद्दा परेशानी का सबब बना हुआ था। पंजाब अलगाव की आग में बुरी तरह धधक रहा था। अफसर शाही में लगा भ्रष्टाचार का दीमक आम आदमी की उम्मीदों को खत्म कर रहा था। राजीव गांधी ने सबसे पहले लाइसेंस परमिट राज को खत्म करना शुरू किया जिससे देश में उद्योग की स्थिति बेहतर हो सके और गांव-गांव तक तरक्की पहुंचे। इसके लिए पंचायती राज की मजबूती पर जोर दिया क्योंकि ऊपर लोग एकदम कागजी शेर बन जाते हैं, नीचे ताकत नहीं होती है। दिल्ली में राजधानियों में बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक तरह से खोखला ढांचा खड़ा हो जाता है। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना। एक विजन था जो एक नौजवान का, मेरा देश आगे जाए। कंप्यूटराइजेशन, सॉफ्टवेयर, स्पेस, न्यू मेडिकल, नैनो मेडिकल, जो दुनिया में चीजें हमने कहानियों में सुनी थी, अखबारों में सुनी थी, राजीव गांधी ने इस देश में लाई।
21वीं सदी में राजीव हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम पर देखना चाहते थे, लिहाजा शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ सूचना क्रांति पर राजीव ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। He raised the confidence of the country. He emphasized the importance of technology, the information technology in particular. And I think he showed to the world that he had a dream. He too had a dream. That's what he said. And I think we all got enthused by seeing a young, idealistic, dynamic person. आधुनिक नजरिए और सुलझी सोच ने राजीव को बहुत तेजी से लोकप्रिय बना दिया। और जब राजीव ने वोट डालने की उम्र 18 साल करने का फैसला लिया तो वो यंगिस्तान के दिलों में बस गए। बेरोजगारी ज्यादातर युवकों की समस्या है, इसीलिए हमने की उम्र कम कर दी थी 21 से 18, जिसमें आपकी युवकों की आवाज पूरे तरह से ऊपर उठे, जिसमें सरकार के कार्यक्रम ऐसे बने कि आपको पूरा फायदा मिले। नौजवानों को 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार उन्होंने दिया। पंचायतों के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं, जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव, पंचायत तक लोग अपना निर्णय खुद लें, अपना निर्णय लें स्कूल कहाँ बनेगा, कुआं कहाँ खुदेगा, सड़क कहाँ बनेगी। ये पावर जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करकर उन्होंने पंचायती राज को मजबूत किया। राजीव की अगुवाई में सरकार ने जो फैसले लिए वो किसी क्रांति से कम नहीं। राजीव ने तकनीक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, कंप्यूटर, एयरलाइंस, रक्षा और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को राहत दी। 1986 में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए नेशनल पॉलिसी का ऐलान किया और 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। आतंकवाद की आग में चल रहे पंजाब के लिए एक नई पॉलिसी बनाई और पुलिस तंत्र को बेहतर ताकत और काम करने की आजादी दी। 1986 में MTNL का जन्म भी राजीव गांधी की कोशिशों का ही नतीजा था और जल्द ही पब्लिक कॉल ऑफिस यानी PCO के जरिए दूर दराज के इलाके भी देश और दुनिया से जुड़ गए। 1985 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भारत का चेहरा बदला था। देश विदेश में भारत की जो पहचान हुई थी वो एक युवा देश की तरह हुई थी और पहली बार उन्होंने टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स को भारत के मेन स्ट्रीम के थिंकिंग में लेकर आए थे। 1982 में पहली बार देश एशियाड का मेजबान बना। राजीव गांधी की कोशिशों के चलते ही यह आयोजन कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। जो उनके काम में, उनके व्यवहार में जो हमेशा से थी वो थी आम इंसान के प्रति, भारत के नागरिक के प्रति एक करुणा का भाव। राजीव गांधी कद्दार प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक विजन था, विदेश में भी उनका डंका बजता था। अमेरिका से उन्होंने रिश्ते बनाए तो पुराने दोस्त रूस से भी रिश्ते बनाकर रखे। यही वजह है कि उस वक्त के रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए और हिंदुस्तान को सलाम किया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस की जीत राजीव गांधी के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके लिए वो दिन रात एक किए हुए थे, सुबह निकलते थे, देर रात तक सभाएं करते थे। उधर उनके दुश्मन भी घात में थे, लगातार राजीव की जासूसी चल रही थी। 21 मई 1991 को राजीव रात करीब 10 बजे पहुंचे थे श्री परम्बदूर। हत्यारे जाल बिछा चुके थे, साजिश कामयाब हो गई, एक धमाके में सब कुछ खत्म हो गया। राजीव कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पार्टी 1989 में लोकसभा चुनाव हार गई थी। राजीव जान चुके थे कि चुनाव में उन्हें शिकस्त क्यों मिली। किसी ने कहा
कि राम जन्मभूमि से हमारे, किसी ने कहा कि क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर एक से एक टक्कर हो गई, वन टू वन हो गया, उससे हमारे। औरों ने कहा कि कई पार्टियां बीएसपी और दूसरी ऐसी पार्टियों ने कांग्रेस का वोट काट दिया तो हमारे। देश में आम चुनाव होने थे और राजीव गांधी के सामने कांग्रेस को सत्ता में लौटाने की बड़ी चुनौती थी। भयंकर गर्मी और लू में राजीव देश भर के दौरे पर थे। जो मिला वो खा लिया, जहां रात हुई वहीं ठहर गए। सबने स्टेज की तरफ उंगली दिखाई और कहा कि जितने नेता बैठे हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका संबंध टूट गया है लोगों के साथ। पहले राजीव से शिकायत थी कि वो जनता से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें अपने और देश की जनता के बीच कोई भी दूरी मंजूर नहीं थी। वो हर घेरे को तोड़कर लोगों के पास पहुंच जाते थे। सुरक्षा बल उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन राजीव पर किसी का कोई जोर नहीं चलता था। मई 1991। थके हारे राजीव परिवार के साथ कुछ लम्हे बिताने के लिए दिल्ली अपने सरकारी आवास पर लौट आए और कुछ घंटे बिताकर निकल पड़े तमिलनाडु के दौरे पर। 10 जनपद ने आखिरी बार अपने प्यारे राजीव को देखा था। मई 1991। राजीव को श्री पेरम्बदूर जाना था, लेकिन विशाखापट्टनम पहुंचकर राजीव का हेलीकॉप्टर खराब हो गया। राजीव को सर्किट हाउस में रुकने की सलाह दी गई, लेकिन राजीव श्री पेरम्बदूर की सांसद मरगथम चंद्रशेखर को निराश नहीं करना चाहते थे। लिहाजा जैसे ही हेलीकॉप्टर ठीक हुआ, राजीव श्री पेरम्बदूर के लिए उड़ान भर गए। ये राजीव की आखिरी उड़ान थी। हजारों का हुजूम राजीव का इंतजार कर रहा था और उसी भीड़ में वो लोग भी शामिल थे जो राजीव की हत्या की साजिश रच चुके थे। लिट्टे चीफ प्रभाकरण श्रीलंका में भारत के शांति सेना भेजने से चला बना था। इस बार प्रभाकरण कोई चूक नहीं चाहता था। राजीव गांधी की हत्या को अंजाम देने का जिम्मा उसने अपने खास गुप्तचर पोट्टू अम्मन के करीबी शिवराज सिंह को सौंप रखा था। श्री पेरम्बदूर 10:10। किसी भी अनहोनी से बेखबर राजीव हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंच तक पहुंचने से पहले राजीव ने अपनी मां इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आगे बढ़ गए। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक फोटोग्राफर हरि बाबू के साथ खड़ी एक तमिल महिला धरु ने अपनी कमर पर लगी बेल्ट का बटन ऑन कर दिया और इसी के साथ उसकी कमर में पदाक्रम एक्टिवेट हो गया। राजीव गांधी जनता की ओर बढ़ रहे थे और धनु राजीव गांधी की तरह। अब तक धनु राजीव गांधी के बेहद करीब पहुंच गई थी। एक महिला पुलिसकर्मी उसे रोकने लगी। राजीव गांधी ये सब देख रहे थे। राजीव गांधी आखिरी बार बोले, सबको मौका देना चाहिए। राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुके। राजीव गांधी ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धनु ने बेल्ट में लगे बम का बटन दबा दिया। एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। अनहोनी घट चुकी थी। कुछ लम्हे पहले तक जिंदगी का सपना बुनते मुस्कुराते राजीव अब नहीं थे। देश सपने में था, हर आंख में।
देश का रत्न राजीव तरक्की और शांति का पाठ पढ़ाकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। राजीव अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। हर आंख नम थी, नारे गूंज रहे थे। राहुल गांधी के नन्हे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। वो अपनी मां सोनिया गांधी को संभाल रहे थे। फिर वो घड़ी भी आई जब राहुल ने पिता को मुखाग्नि दी। राजीव गांधी की अस्थियां एक विशेष ट्रेन से इलाहाबाद भेजी गई। रास्ते भर हजारों का हुजूम जमा था। इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में राहुल ने पिता की अस्थियों को प्रवाहित कर दिया। जिंदगी में राजीव ने बहुत कुछ देखा। देश के लिए सपना देखा, देश की तरक्की का सपना देखा। भारत के लिए मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातिवाद ना हो, आशावाद ना हो, कांतिवाद ना हो। और आज देश उन सपनों को जी रहा है जो राजीव गांधी ने देखे थे। आतंकी धमाके ने राजीव के तन को मौत दी थी, लेकिन देश के करोड़ों दिलों में राजीव आज भी धड़कते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर यह था हमारा खास शो राजीव।